एक बिल्कुल सही मौका अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का और बहुत ही टॉप क्वालिटी गवर्नमेंट डेट ऐड करने का। आज हमारे साथ डिस्कस करने के लिए भारत बॉन्ड के ETF को जुड़ रही हैं राधिका गुप्ता जी। आप MD और CEO हैं एडलवाइस मैनेजमेंट की और बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छी टिप्पणी राधिका जी करती हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए और आप सबको बहुत बढ़िया राय देती हुई दिखेंगी। नमस्ते राधिका जी, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। और आज चर्चा का विषय है भारत बॉन्ड ETF। अगर आप लोग बहुत ही टॉप क्वालिटी और सॉवरेन डेट के आसपास अपने पोर्टफोलियो को जोड़ना चाहते हैं तो यहां पर भारत बॉन्ड ETF पर आप जरूर नजर रखें। 3 दिसंबर को ये आपको ETF खुलता हुआ दिखा है, ये इसका तीसरा चरण है और यहां पर आपको अलग अलग मैच्योरिटीज के अलग अलग पोर्टफोलियोज बनते हुए दिखेंगे। राधिका जी नमस्कार, बताइए किस तरीके से आप भारत बॉन्ड ETF के तीसरे चरण को देखती हैं? तो भारत बॉन्ड ETF शैल जी अभी ऑलमोस्ट 35,000 से ज्यादा करोड़ का प्रोग्राम हो गया है, इसको 2 साल हो गए हैं एंड इसको जब क्रिएट किया गया था एंड थर्ड सीरीज के बारे में मैं जरूर बात करूंगी, तो ये सोच थी कि जो आम निवेशक है जो देश के सबसे अच्छे बॉन्ड्स खरीदना चाहता है, जैसे अच्छी सरकारी बैंक कंपनीज हैं NHAI, REC, PFC, आप वो कैसे खरीदे अगर एक डेट पोर्टफोलियो बनाना चाहता है जिसमें सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब डेट में निवेश करते हैं तो सबसे ज्यादा मायना सुरक्षा सेफ्टी को होता है और दूसरा एक प्रिडिक्टेबिलिटी और रिटर्न्स को होता है। तो ये दोनों चीजें हम कैसे एक सिंपल डेट प्रोडक्ट ₹1,000 से जो शुरू हो रहा है उसमें कैसे अचीव करें, वो भारत बॉन्ड की क्रिएशन थी एंड दैट इज व्हाट भारत बॉन्ड इज। ₹1,000 से ही आप शुरू कर सकते हैं, आप खरीदेंगे एक बास्केट पब्लिक सेक्टर हाईएस्ट रेटेड पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स का। और जैसे कि आपने कहा इसमें अलग अलग मैच्योरिटीज हैं, तो जैसे जब हम FD करते हैं तो बैंक में जाते हैं तो 1 साल की FD कर सकते हैं, 3 साल की FD कर सकते हैं और हमें लगभग पता होता है कि किस रेट पे वो FD होगी। डेट फंड में आमतौर पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ड्यूरेशन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो पता नहीं है, भारत बॉन्ड में उसकी बहुत क्लैरिटी है। तो अगर आपको 2025 वाला खरीदना है तो उसका रेट पता है, 2030 वाला खरीदना है तो उसका रेट पता है। तो द आइडिया वॉज बहुत ही साधारण रिलायबल एंड एक्सेसिबल डेट प्रोडक्ट बैक्ड यू नो बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी पहली 2 ट्रांचेस हो गई है, ये इसकी तीसरी ट्रांच है जिसमें हम 2032 की सीरीज जो कि 10 साल की सीरीज है अब लेकर आ रहे हैं। राधिका जी जरा इस पर हमारे दर्शक और प्रश्न भेज रहे हैं और वो मैं आपसे एक एक करके पूछता हूं। यहां पर जो आपने यील्ड बताई है जो लगभग 6.87% है, क्या ये कांस्टेंट यील्ड है और क्या ये आपको बॉन्ड बाजार में लिस्ट होता हुआ दिखेगा कि साथ ही साथ यील्ड के जो कि प्रिडिक्टेबल है आप इसको ट्रेड भी कर लें? तो यहां पर 2 फायदे दिखते हैं मुझे। तो ये यील्ड आज की तारीख की यील्ड है 6.8 के अराउंड जो यील्ड है, और अगर आप एक निवेशक हैं जो मैच्योरिटी तो होल्ड करेंगे जो कि अप्रैल 2032 है तो लाइकली आपको ये यील्ड मिलेगी। जैसे हमारी 2023 की सीरीज है जिसका मैच्योरिटी होने वाला है, जो उस टाइम पे यील्ड थी वो निवेशकों को मिल गई है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ये 6.8 आज की तारीख की यील्ड है। अगर आप आज ना निवेश करें से 1 महीने बाद निवेश करें तो आपको उस दिन की यील्ड देखनी पड़ेगी जो कि हमारी वेबसाइट advisemf.com पे आपको मिल सकती है। अब जहां तक ट्रेडिंग की बात है, हालांकि ये 10-11 साल का प्रोडक्ट है, ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है तो ये एक्सचेंज पे ETF इज लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज। इनफैक्ट इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत अच्छी रही है, भारत बॉन्ड इज वन ऑफ द मोस्ट लिक्विड ETF, तो आप एक्सचेंज पे इसे बाय एंड सेल कर सकते हैं, तो ये जरूर है। तो ये ओपन एंडेड है और इसमें कोई एग्जिट लॉक नहीं। जी चलिए राधिका जी, बहुत सरल भाषा में आप इस विषय को समझा रही हैं और जब भी एक इन्वेस्टर अगर आप देखें निवेश के विकल्पों को देखता है तो वो हमेशा इक्विटी मार्केट की तरफ फोकस करता है, लेकिन अब हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, छोटे छोटे ट्रांचेस में निवेश करने की बात कर रहे हैं। मैम थोड़ा सा यील्ड के फैक्टर को हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कीजिए, प्लस हमारे व्यूअर्स आज की तारीख में सुनते हैं कि साहब ब्याज दरें सबसे न्यूनतम स्तरों पर हैं। आज आपको हाउसिंग लोन मिल रहा है 6.5 पे, आज आपको FD पे ब्याज मिल रहा है 5.5% पर, ये ब्याज दरें किस ट्रेजेक्टरी में है, यहां से ये किस दिशा में जा रही हैं और जब वो आज बॉन्ड में निवेश करता है तो वो किस लेवल पे निवेश कर रहा है, यहां से ब्याज दरों को लेकर आपका जो सेंस है डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रहा है, उस पर भी टिप्पणी करिएगा मैम। देखिए
आज इंटरेस्ट रेट्स को जो प्रिडिक्ट करना है वो आप शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट्स का आउटलुक दे सकते हैं कि शायद हमें लगता है इंटरेस्ट रेट्स 25 से 50 पैसे राइज कर सकते हैं, लेकिन जहां तक कि भारत बॉन्ड की बात है, ये 2032 की सीरीज है, तो उस टाइम पे एक इंटरेस्ट रेट आउटलुक देना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो भारत बॉन्ड का स्ट्रक्चर है, और मैं यील्ड भी समझाऊंगी ये क्या है, इसमें आपको ये जो सवाल है ना कि इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएंगे, ये एक्चुअली मायने नहीं रखता अगर आप एक होल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टर है, क्योंकि भारत बॉन्ड एक टारगेट मैच्योरिटी स्ट्रक्चर है। अगर आप मुझे 1000 रुपए देते हैं तो मैं 1000 रुपए लेके 2032 में जो मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स हैं वो सारे खरीद लेती हूँ, और वो अलग अलग यील्ड इंटरेस्ट रेट पे आते हैं, जैसे पीएफसी का किसी रेट पे होगा, आईसी का किसी रेट पे होगा, उनकी जो एवरेज यील्ड है वो आपकी टोटल यील्ड है। अगर आप एक होल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टर हैं जो कि 10-11 साल पर करार रहेंगे, तो चाहे रेट ऊपर नीचे जाए या चाहे रेट ऊपर जाए या रेट नीचे जाए, वो जो आपकी 6.8 यील्ड है, जो आपकी इंडेक्स की यील्ड है, आपको वही मिलेगी। तो भारत बॉन्ड थोड़ा क्रिएटेड ही इसलिए है कि जो लंबे समय के निवेशक हैं उन्हें ये चिंता ना रहे कि भाई यील्ड ऊपर जा रही है यील्ड नीचे जा रही है। अल्टीमेटली मुझे लगता है ये जो डेट का पैसा है, एक तो ये सेफ्टी का पैसा है, और आज के दौरान इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं तो लोग थोड़ा स्ट्रेस भी हो गए हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं। मैं सबसे पहले कहूंगी ये एक रियलिटी है, और जो मार्केट आपको इंटरेस्ट रेट दे रहा है वही आपको देखना पड़ेगा। इस टाइम में डेट में ज्यादा रिस्क मत लीजिए। दूसरा, डेट एक आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आपने इक्विटी का जिक्र किया, इक्विटी एक लंबे समय का निवेश है, लेकिन एक सेफ्टी की एलोकेशन हर इंसान के पोर्टफोलियो में होती है, और वो पर्पस डेट सर्व करता है, तो डेट हमेशा मायने रखता है। राधिका जी, 2-3 प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा। आपने जिक्र किया किस हिसाब से यहां पर आपको ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल रिटर्न आता हुआ दिखेगा, लेकिन जो रिटर्न निवेशक के हाथ में आता है टैक्स कटने के बाद, वो ज्यादा आप देखिए जरूरी है। ये बताइए, भारत बॉन्ड ईटीएफ का टैक्स ट्रीटमेंट क्या है मुकाबले एक एफडी पे, क्योंकि हम लोग कंपेयर करेंगे लाइक फॉर लाइक, मुकाबले एफडी के टैक्स ट्रीटमेंट भारत बॉन्ड ईटीएफ का क्या है? एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने सर जी ये सवाल पूछा, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। अब एफडी का एक टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो आज की तारीख में मार्जिनल रेट है, तो अगर मेरा 30% इनकम टैक्स रेट है तो मैं एफडी में निवेश करूंगी तो मेरा वही मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स होगा। भारत बॉन्ड ईटीएफ इज लाइक इंडेक्स म्यूचुअल फंड, विच मीन्स कि आपको इंडेक्सेशन मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सरल तरीके से समझाती हूँ। 20% टैक्स देंगे आप इन्फ्लेशन के ऊपर वाले रिटर्न पे, तो अगर आपका 6.8% रिटर्न है, प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन रेट से 5% है, तो 6.8 - 5 जो 1.8 है, इस पे आप 20% टैक्स देंगे, क्योंकि कुछ 36 पैसा होगा। सो इन भारत बॉन्ड ईटीएफ आपकी टैक्स एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। हमने थोड़े से कैलकुलेशंस किए कि आज की तारीख में 6.8 का रेट प्री टैक्स एस्टिमेटेड, जो कि आज इन्फ्लेशन चल रही है, 6.2-6.3 होगा। अगर आप एक ट्रेडिशनल एफडी प्रोडक्ट देंगे तो ये रेट आई थिंक आपका 4% से ज्यादा नहीं होगा। तो ये जो पोस्ट टैक्स डिफरेंस है भारत बॉन्ड ईटीएफ में, वो बहुत ज्यादा है। तो एक एफडी इन्वेस्टर के लिए वही एक्सपीरियंस है, वही क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो है, विद लिक्विडिटी एंड लॉट मोर टैक्स एफिशिएंसी। यहां पर मैं 2 बातें और ऐड करना चाहता हूं। देखिए, अक्सर हम लोग टिप्पणी करते हैं कि आप ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में पीएसयू स्टॉक्स को जोड़िए, लेकिन जो सबसे ज्यादा रेटिंग होती है डेट में, वो आपको पीएसयू बॉन्ड्स में ही दिखती है, क्योंकि वहां पर समझिए ये माना जाता है कि ये सरकार की डेट है। तो आप AAA क्वालिटी पेपर खरीदते हैं, और आप जब ईटीएफ के जरिए यानी कि डेट म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं इस प्रोडक्ट में, तो आपको फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न मिलता है, लिक्विडिटी मिलती है, और एक बहुत ही लंबी अवधि का आपको नजरिया मिलता है फिलहाल डेट रिटर्न्स का। राधिका जी, कितना प्रतिशत अगर कोई व्यक्ति शुरू कर रहा है बाजार में, उसको इस ईटीएफ को अपने ओवरऑल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? देखिए, ये थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन किसी का जो डेट एलोकेशन है उसमें जो भारत बॉन्ड का सीरीज है, ये आपके डेट एलोकेशन का कोर हो सकता है। और मैं आपको एक थोड़ी सी टिप्पणी दूंगी कि ये भारत बॉन्ड ईटीएफ को अपने पोर्टफोलियो में इस्तेमाल कैसे किए जा सकते हैं। जैसे अगर आपके 100 रुपए हैं और आप 30-40 रुपए डेट में डालना चाहते हैं,
अब आप ऐसा करिए, अपने वो जो 30-40 रुपए है उनको डिवाइड कर दीजिए कि मुझे कितना पैसा शायद 4-5 साल में चाहिए होगा, कितना पैसा 6-7 साल में चाहिए होगा, कितना पैसा 10 साल में चाहिए होगा, उसको फिर आप अलग अलग भारत बॉन्ड की मेच्योरिटीज में डाल दीजिए। फिर आपको ये जो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाने का सवाल है उसकी चिंता नहीं रहेगी, आपके कैश फ्लो प्रेडिक्टेबल रहेंगे और आपका एक अच्छा एसेट एलोकेशन हो जाएगा। इसके इसको इस टेक्निक को बाहर लैडरिंग कहते हैं, और ये मुझे लगता है क्योंकि आप 5 भारत बॉन्ड के प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको यूज करके बहुत साधारण और अच्छा डेट का कोर पोर्टफोलियो बना सकते हैं 2023 से लेके 2032। चलिए, तो आपका पोर्टफोलियो और आपके 100 रुपए में से अगर आप देखें इसका आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसको लेकर आपने राधिका जी की टिप्पणी सुनी। अच्छा राधिका जी, आप आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं और इस समय का सदुपयोग मैं एक प्रश्न और से करना चाहूंगा। अब आप आई हैं, आपका बाजार पर नजरिया ना लें, ये पिछले 3 दिन से 4 दिन से इनफैक्ट जो लिक्विडेशन बाजार में है, जो प्रॉफिट बुकिंग है और ह्यूज एफआई सेलिंग है, इस पर आपका तर्क क्या है, थोड़ा सा इस पर गाइड कीजिएगा। ये जो नया वायरस स्प्रेड है, आई मीन कोविड का, एग्जैक्टली इसको लेकर भारत में काफी चिंताएं हैं और ह्यूज एफआई सेलिंग है, आप कैसे देख रही हैं ये पिछले 4-5 दिन में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसको आप कैसे रीड कर पा रही हैं राधिका जी? देखिए, आई थिंक एक तो ये जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन है इसका अभी साइंटिस्ट ने भी क्लियरली और मेडिकल फ्रेटर्निटी ने भी क्लियरली इम्पैक्ट गेज नहीं किया है। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका से जहां से ये पहली इसकी खबर आई है वहां से भी इसका सिवियरिटी और इम्पैक्ट के आंसर्स अभी आए नहीं है। दूसरा, मुझे कोविड वेव ने एक बात सिखाई है कि एक बात यह है कि वायरस कैन बी वेरी डेडली ऑन द ग्राउंड, जैसे दूसरी वेव कोविड की बहुत मुश्किल थी खासकर हिंदुस्तान के लिए, लेकिन उसका इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट मे बी वेरी डिफरेंट, तो उसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगेन कोविड वेव को बहुत सिवियर थी लेकिन मार्केट्स पे उसका इंपैक्ट इतना सिवियर नहीं था बिकॉज मार्केट्स थोड़े से फॉरवर्ड लुकिंग है। अब शॉर्ट टर्म करेक्शन कैन इट हैपन एस्पेशली एट दिस मार्केट लेवल्स? हाँ बिल्कुल हो सकती है। शॉर्ट टर्म सेंटिमेंटल सेलिंग, बाजार इतना बढ़ गया है तो 10% का करेक्शन, 15% का करेक्शन, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ओमिक्रॉन का ये लॉन्ग टर्म इंपैक्ट मेरे हिसाब से गेज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये तो साइंटिफिक आंसर नहीं है और साइंटिफिक आंसर एंड लिंक टू मार्केट इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग। राधिका जी, मेरा आपसे आखिरी प्रश्न भारत बॉन्ड ईटीएफ पर यह है कि यहां पर जो आपने रिटर्न प्रॉमिस किया है 6.87% का, इसका पेमेंट शेड्यूल क्या होगा? So, ये एक म्यूचुअल फंड है तो ये डिविडेंड्स नहीं देता है। ये आपको, आप एनएवी पे इन्वेस्ट करते हैं जैसे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इसके जो कूपन आते हैं बॉन्ड्स के वो री इन्वेस्ट होते हैं, तो जब आप पैसे निकालेंगे तो आपको पेमेंट वापस मिल जाएगी हायर एनएवी। ये एनएवी एक और बात, जी बिल्कुल, मैं एक और बात जरूर जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि ये सरकारी प्रोग्राम है, अरुण जेटली जी की ये ओरिजिनल गोल थी। ये एक्चुअली लोग जानते नहीं है, दुनिया का सबसे सस्ता डेट म्यूचुअल फंड भी है जो कि हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तानी निवेशक के लिए बनाया गया है। तो इसके और बेनिफिट्स के अलावा ये एक्चुअली सबसे कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट भी है, जो कभी कभी हम कॉस्ट की बहुत जिक्र करते हैं आजकल पैसिव फंड्स की, तो दिस इज ऑल्सो द चीपेस्ट डेट फंड इन द वर्ल्ड। और इसी बात पर और राधिका गुप्ता जी के जो दोनों व्यूज आपने डेट और इक्विटी पर सुने, आपका आभार व्यक्त करते हैं राधिका जी। यहां पर एडलवाइस एएमसी का लगभग 80% मार्केट शेयर है बॉन्ड, भारत बॉन्ड ईटीएफ में, और ये एक बहुत ही बढ़िया टॉप ब्लू चिप क्वालिटी बॉन्ड पोर्टफोलियोस आपको ऐड करते हुए आप कर सकते हैं सिर्फ एक सिंपल ईटीएफ के जरिए। राधिका जी, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत आभार, और हमेशा की तरह आपकी राय, सोच और सूझबूझ बहुत बढ़िया तरीके से निवेशकों को काम करती हुई दिखती है। आपके समय के लिए धन्यवाद। वापस बाजार से जुड़ते हैं।